उनके भक्त उनके, इसमें क्या होता है स्नान में, यहाँ पर कुंभ मेले में शंकराचार्य भी आए हैं, लेकिन शंकराचार्य अलग स्नान, ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। तो शंकराचार्य जो हैं वो अलग स्नान करते हैं, यहाँ पर महामंडलेश्वर से नीचे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ऊपर होता है, उसके बाद महामंडलेश्वर होता है, उसके बाद मंडलेश्वर, और इस तरह से क्रम है उनका। वो स्नान करने आते हैं और उनके जो समुदाय के लोग हैं वो तो रहेंगे ही, उनके साथ भक्तगण उनके अनुयायी भी काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। ये तमाम जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। मैं ये कह रहा था कि जो हालांकि चर्चित यही है चार ही कुंभ, लेकिन वस्तुतः शास्त्रीय दृष्टि से और ज्योतिष गणना के अनुसार द्वादश कुंभ होते हैं, 12 कुंभ, क्योंकि राशियां 12 हैं और सूर्य सभी राशियों में जाते हैं, सूर्य का प्रवेश सभी राशियों में है। मूलतः जो द्वादश राशि है उसका एक 2010 के आसपास उसका वर्गीकरण किया गया था। सामान्यतः हमारे हरिद्वार में मेष राशि में सूर्य और कुंभ के गुरु में होने पर यह हरिद्वार का कुंभ लगता है। अन्य स्थानों का मैं मास के हिसाब से बताना चाहूँ, ये सामने साधुगण स्नान महत्वपूर्ण ये है कि अपने सारे जो वैभव है, जो भौतिक वैभव है, उनसे दूर, ये मैंने बताया कि ये किन्नर अखाड़े के रथ है। शाही स्नान का मतलब है कि राजसी ठाठ भाट से वो समाज के बीच आते हैं, समाज उन्हें इस रूप में देखता है, ये रथ हो जैसे राजा रथ पर चलते थे, उनके चमर से डुलाया जाता था। बहुत पहले हमने वो भी देखा है कि रथ में घोड़े जुतते थे, लेकिन अब चूंकि मशीनीकरण हुआ है तो मशीन के कारण, यानी जो ऑटोमेटिक जो यंत्र हैं उनके अनुसार सब चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो 12 कुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण बताना विवरण दे करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। श्रावण मास में द्वारका में लगता है, जबकि कर्क की संक्रांति होती है और कर्क से ही सूर्य दक्षिणायन में जाते हैं, कर्क राशि से ही। भाद्रपद यानी भादो में नासिक में, क्योंकि सिंह की संक्रांति है उसमें, सिंह राशि में संक्रांति होती है, इसीलिए उसको सिंहस्थ भी कहा जाता है। अश्विन मास में रामेश्वरम में लगता है, उसमें कन्या राशि में संक्रांति होती है। कार्तिक में सिमरिया में होता है, सिमरिया को आदि कुंभ कहा गया है क्योंकि कार्तिक को वहाँ पर तुलार्क में शालमली, सिमरिया का मतलब शालमली वृक्ष वन था, वहाँ पर पहले कुंभ लगा करता था, वहाँ पर कल्पवास की परंपरा आज भी है कार्तिक से, तो तुलार्क कुंभ जो है वह कार्तिक में सिमरिया में लगता है। अगहन में कुरुक्षेत्र में, वृश्चिक राशि में, पौष में गंगा सागर में, धनु राशि में, माघ में प्रयाग में, जो आप जानते ही हैं प्रयाग का सबसे बड़ा, प्रयागराज का सबसे बड़ा, इतना विस्तृत क्षेत्र है कुंभ का कि वहाँ पर अन्य कुंभों की तुलना में कई गुना बड़ा क्षेत्र होता है उसका। हालांकि हरिद्वार का जो कुंभ क्षेत्र है उसको भी हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक माना जाता है, लेकिन सामान्यतः व्यवहार में हरिद्वार और उसके आसपास ही के जो घाट हैं, इन घाटों को भी बहुत सुधारा गया है पिछले दशकों में। उसके बाद फागुन मास में कुंभकोणम में लगता है, कुंभकोणम का भी शास्त्रीय महत्व है, उसमें कुंभ
राशि में संक्रांति होती है सूर्य की। चैत्र मास में ब्रह्मपुत्र असम में होता है मीन की संक्रांति में, बैसाख में हरिद्वार और वैकल्पिक रूप से उज्जैन में वो मेष की संक्रांति है। ज्येष्ठ मास में बद्रीनाथ में, वृष की संक्रांति में और आषाढ़ में जगन्नाथपुरी में मिथुन की संक्रांति में। ये द्वादश कुंभ की परिकल्पना शास्त्रों में आया हुआ है, रुद्रयामल तंत्र वगैरह में इसके विस्तृत चर्चा हुई है। अब मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसके क्रम को आगे बढ़ाएं। अब हमारे समक्ष जो दिखाई दे रहा है इसमें जूना अखाड़ा अब स्नान के लिए तैयार है और निरंजनी अखाड़े का स्नान प्रायः समाप्त हो चुका है और निरंजनी अखाड़ा हमारे पास जो दिखाई दिया, निरंजनी अखाड़े के पास 40 से अधिक महामंडलेश्वर हैं और उनके आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज हैं और इस निरंजनी अखाड़े का जो इष्ट देव हैं वो कार्तिकेय जी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कार्तिकेय सेनापति हैं और कार्तिकेय के इष्ट देव मानते हुए निरंजनी अखाड़े अपने इष्ट देवता का स्नान करा करके अपने सभी साधु संत, जैसा कि आपने देखा कि वो जब माँ गंगा के तट पर पहुँचे तो उन सभी लोगों ने माँ गंगा का बहुत विधिवत पूजन किया और उसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर के साथ सब ने स्नान किया और स्नान करने के बाद अब निरंजनी अखाड़ा अपने गंतव्य को जा रहा है। हरिद्वार में आयोजित इस कुंभ का दूसरा शाही स्नान इस समय चल रहा है। निरंजनी अखाड़े से आज का शाही स्नान प्रारंभ हुआ और एक के बाद एक अखाड़े जिनका क्रम निश्चित है वो अपने इष्ट देव को कंधे पर उठाए पूरे मान सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने महामंडलेश्वर की अगुवाई में धीरे धीरे करते हुए हर की पैड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुंभ मेला भारत की सामाजिकता निभाने की गहराई, अंतर संबंध और उसकी मजबूती के भी दर्शन कराता है। इतने बड़े आयोजन में समाज जिस प्रकार की भूमिका निभाता है वो कुंभ का अद्भुत अनुभव ये है कि जिस नगर में ये मेला लगता है वो पूरा नगर मेजबान की भूमिका में आ जाता है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जब देश और दुनिया से इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो प्रशासन की भूमिका बढ़ जाती है। ये भारतीय समाज की विविधता ही है जो संबंधों की गहराई और उसको निभाने के नियम का पालन कराती है। टूटते हुए परिवारों और अकेले होते जाते मनुष्य के लिए कुंभ स्नेह और आतिथ्य का एक ममतामयी स्पर्श भी है। हिंदू धर्म में सेवा का मूल भाव स्वयं का रूपांतरण करना है। कुंभ मेला एक खुला आमंत्रण है हिंदू धर्म की समृद्ध सत्ता को समझने का, सहबंधुत्व की भावना को जीने का। पंच दशनाम जूना अखाड़ा इस समय हर की पैड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी को उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ था। इनके ईष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है और इस समय इस अखाड़े के सन्यासी पूरे उत्साह के साथ पुष्प वर्षा के बीच हर की पैड़ी की तरफ डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुकम्मल कार्यशाला है कुंभ जो सार्थक जीवन जीने की कला सिखाता है।
देश विदेश से आए तमाम श्रद्धालु बहुत ही सहजता और सरलता के साथ ब्रह्मकुंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आत्म अनुशासन का सर्वोपरि उदाहरण अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो कुंभ जैसे बड़े और विराटतम धार्मिक आयोजन में सहज तौर पर देखा जा सकता है। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना की बात करें तो मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी बृहस्पतिवार को विक्रम संवत 805 में हुई थी। स्थान को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ विद्वान इस अखाड़े की स्थापना बिहार झारखंड के वैद्यनाथ धाम में बताते हैं तो कुछ इसकी स्थापना हरिद्वार में नीलधारा के पास भी मानते हैं। और इस समय जो महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी हैं वो ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने को तत्पर हैं। और इन सन्यासियों के जीवन में अगर कुछ आकर्षण होता है समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण और विश्व शांति के अलावा तो वो यही होता है कि वर्षों बाद आने वाले कुंभ में ये डुबकी लगाकर विश्व शांति की प्रार्थना करते हैं और अपने इष्ट से बस यही मानते हैं कि हर तरफ प्रेम भाईचारा और सामाजिक सौहार्द की भावना बनी रहे। So beautifully manifested here, and when I recall that what Bhagwan Krishna in the Gita says, that in my unmanifested avyakt form I pervade the whole world, and I think all the gods are manifested here in the forms of sadhus, in the forms of disciples and the common people of this country. My previous co-commentator, Dr. Mishra and Dr. Tiwari, they were discussing about the goddess, why they are at the top of the mountain, at the zenith always. Means not all of them, but most of them, yes. In Uttarakhand, most of them, and in other parts of the country also, they are at the top. What can be the reason? They have given very fine reasons, and I would like to add on one more thing in it, that we are talking about nature worship. So when we reach at the top, there we should not have a feeling of winning the nature. Rather, we should bow our head in front of the goddess. And in that concept, what the Western concept of mountaineering, that we used to listen Everest to Vijeta. So we cannot be the Vijeta, we cannot win the mountains, we cannot win the river, we cannot win any part of nature. Rather, we should show our gratitude towards the Almighty for giving us such a beautiful planet, such a beautiful planet, and all the phenomena of nature, be it river or be it mountains or sea, or whatever is given, we are thankful to the Almighty. And the second thing, we saw the Kinnar Akhada taking a holy dip in river goddess, Ganga. 2-3 years back, we have scrapped the Section 377 from Indian Penal Code. That is in 1861 introduced by the Britishers, not giving equal right to the transgenders. And it is worth mentioning here that in our culture, Professor Tripathi, Vice Chancellor of Sanskrit University, has said that equality, Ardha Nareshwar or Shiv Shakti, or a due place is given to transgender and all the genders. This Kumbh Mahaparv is a living example of how we are above of all caste, gender, any kind of religion, any kind of sex, because we have seen that how many deities are being worshipped by these akhadas, how many goddesses are being worshipped by these akhadas. So different ways, different way of getting the god or reaching to god, and at last they are one. So this is the ultimate example of unity in diversity, and a beautiful example of Indian philosophy,
where all the genders are being treated equally and all the genders are taking a holy dip in this Ganga, and we are able to see God in every human being, in every sadhu, in every sannyasi, in every devotee who is coming here to take a punya by taking a holy dip in this Mother Ganga. So we are witnessing these scenes of ecstasy where the sadhus are taking a holy dip in the mother river Ganga. And very well said, madam, this is Purusha and Prakriti. Purusha and Prakriti is a part of Indian culture and has always been part of the philosophical way of life in India. While Shiva is the Purusha element, the water, Gangajal, in itself is a representative of Shakti, of womanhood. And it is but natural that women power should be at the pinnacle, that it should be given positions of superiority whenever we worship it, whenever we follow a belief system. We are here at Haridwar, and since morning we've been witnessing these wonderful scenes of group after group coming to the Brahmakund in Har Ki Paidi to take the holy dip in Mother Ganga. And as I said, this is God's gateway. This is the gateway to the heavens, because worshippers of Shiva will find their way all the way up to the holy shrine of Kedarnath, where Shiva resides, where people believe that one can meet Shiva in his divine form. And then the worshippers of Vishnu, they will find their way all the way up to the holy shrine of Badrinath. And this landscape, this spiritual landscape, makes the Himalayas so special, so different from all other mountain chains in the world. Today is a very momentous occasion. It's a very special occasion because Kumbha, Mahaparva, is being celebrated here. And Kumbha Mahaparva, as it occurred many eons ago due to the churning of the celestial ocean, the Kshir Sagar, out of which emerged in the beginning the Halahal, or the poison which Shiva attained and contained in his throat and became the Nilkantha. And then finally, after several other things emerged the ambrosia, emerged the Amrita, which splashed in these holy sites, one of which is before us today, the holy Har Ki Paidi, where one can see the temples dedicated to Mother Ganga, and of course the white structure of Man Singh Ki Chhatri, and several devotee upon devotee coming, fulfilling their life's desires of taking a holy dip in Mother River Ganga at the Kumbh Mahaparva. The story of the churning of the Kshir Sagar, the Samudra Manthan, is a very detailed myth, and one would only take away from the myth that it is eternally water, it is elements of nature that we need to preserve if we need to preserve mankind. So there is a very deep environmental message here as well. And Mother Ganga today is struggling in a way. Well, you can see how devotees far from far and wide, they have gathered to witness this great function, this great festival. And since today witnesses the auspicious occasion of Somvat Amavasya, the Shahi Snan or Rajyogi Snan is performed by the sadhus, saints and the disciples in the holy Ganges, the saints and disciples belonging to their respective akharas. The pomp and magnificence with which the akharas proceed
ornamented with flowers and the holy decked chariots of the gurus and the disciples is in itself a blissful sight and a spiritual contentment, undoubtedly. The processions proceed with ecstatic resonation of Har Har Mahadev, Har Har Shankar, Jai Ganga Maya all around. At present, there exist 13 akharas, with the Juna akhara being the largest and the foremost. Till now, we have had the pleasure of witnessing the grand proceedings of the four akharas, the recent one being the great Mahanirvani akhara. Each akhara has special religious significance and are categorized on the way of worship offered to the respective deities. This includes three sects of Shaiv, Vaishnava and Udasin. Each has their own religious customs, views and ideologies, specializing in both scriptures and weaponry.